बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेट बनाना शुरू करते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। पहले आपको हिस्ट्री लिखना चाहिए, क्योंकि तीन जब हिस्ट्री आप लिख लेंगे, एक सेक्शन कंप्लीट होते ही आपको आत्मविश्वास आएगा कि मेरा एक सेक्शन अब कंप्लीट है। मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी साथ होनी चाहिए। का 66वीं भी नहीं हुआ। अच्छा, जो 67वीं का पीटी देंगे अभी, मेरे विचार से जिस जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक उनको ऑप्शनल या अपना जीएस दोनों में से किसी एक सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए साथ साथ, पीटी के साथ साथ। अभी हम लोग ये देखेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक मानना है, जो बीपीएससी है एग्ज़ाम, वो रणनीति से ही जीता जाता है। एक ये मतलब एक तरह से युद्ध है, जो आप जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उतना जल्दी आप सफल होंगे। इच्छा शक्ति, आपको मन से सबसे पहले तैयार होना होगा कि हमको बीपीएससी निश्चित रूप से करना है, हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी बनना है, सिविल सेवा में जाना है निश्चित रूप से। पहला इसके लिए आपको मन से एकदम तैयार होना होगा। हम लोग जो बीपीएससी करेंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये किसके सहारे करेंगे? दिमाग से करेंगे ना, ब्रेन के सहारे करेंगे। तो हम लोगों को उसको मजबूत करना होगा। जब आप तैयारी करेंगे, सबसे पहले आप ये रखेंगे मन में कि हमारा दिमाग दूसरे चीज़ों में नहीं जाए, व्यर्थ की चीज़ों में हम नहीं भटकेंगे। राजयोग किताब है एक स्वामी विवेकानंद की, उन्होंने लिखा है कि अगर हम जल्दी सफलता चाहते हैं तो हम क्या करें, अपने मन को उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, और अपने मन को दूसरे चीज़ों पर भटकने से बचाएं। यानी आप अधिक से अधिक समय तक जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, 7-8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है 24 घंटे में, तो वो 7-8 घंटे आपका दिमाग उसको मतलब एब्जॉर्व भी कर ले, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वो याद भी रह जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग में कचरा ना डालें हम, फालतू की बातों से आप दूर रहें, ठीक है, सोशल मीडिया से ज़रूरत भर ही रखें संबंध, उससे भी दूर रहें। और इसके अलावा मन जो है बहुत भटकता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोग करें, तो उसमें से 2-3 चीज़ें आपको हम बताते हैं। जैसे कुछ मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइज हल्का फुल्का ज़रूर करें रोज़, एक्सरसाइज बहुत बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं, योग करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात एक हम बताते हैं, एक छोटी सी चीज़, मन को मतलब कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास क्या करें। वो अभ्यास ऐसे होता है, जैसे मान लिया जाए आप छत पर, आपके घर में छत है, अगर आप छत पर चढ़ते हैं तो आप किसी दिन ऐसा करें कि छत पर जाएँ शाम में और मन ही मन निश्चय करें कि हम आज बाईं तरफ नहीं देखेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मन में ऐसा कुछ सोचा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे उस दिन कि आप छत पर टहलेंगे, 1 घंटे में 50 बार आपका मन कहेगा कि बाएं तरफ एक बार देख ही लें, क्योंकि मन की आदत होती है, आप जिस चीज़ से उसको रोकेंगे वो उधर जाता है। तो मन को कंट्रोल करने का, उसके ऊपर नियंत्रण करने का ये छोटा छोटा अभ्यास है। आप जारी ऊर्जा 5 जगहों से बहती है, जो हमारा 5 सेंस है, ज्ञानेंद्रिय है। हम जितना भी शक्ति, मानसिक शक्ति अर्जित करते हैं, अक्सर नींद से करते हैं या रिलैक्स जब होते हैं तब वो हम अर्जित करते हैं, और उसको हम लोग ज्ञानेंद्रियों द्वारा खो देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खूब कसरत कर रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं, पोषक पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको सोने नहीं दिया जाए तो आप दिमागी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगातार 1 सप्ताह हम जगा दें, खूब प्रोटीन दें, खाना खूब अच्छा दें, लेकिन आप दिमागी काम करेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा, आपसे छोटा मोटा मैथ गलत होने लगेगा, जोड़ घटाओ, क्योंकि मानसिक शक्ति, हाँ मानसिक शक्ति आपको मिलेगी कैसे, जब आपकी नींद पूरी होगी। हाँ, माइंड को रेस्ट चाहिए, माइंड को आप बेवजह का चीज़ ना दें। तो हम लोगों को दोनों काम करना है, पहला एक माइंड को बेवजह की चीज़ों से बचाना है, पहला काम आप लोग यही करेंगे कि दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे। हम लॉज में रहते थे पटना में, हमारे लॉज में 60-70 लड़के थे और सभी लोग सभी फॉर्म भरते थे, लगभग सब ग्रेजुएट थे, लगभग तो बीपीएससी का आया, एसएससी का आया, बैंकिंग आया, सब लोग भरते थे, लेकिन हम देखते थे, ईमानदारी से बता रहे हैं कि मेरी आदत थी, हम रात में बहुत लेट तक जगते हैं,
पढ़ने के लिए हो या कोई ऐसे अभी भी हम जगते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या मोबाइल पर कुछ देखते हैं जो भी, तो हम निकलते थे, हमारा मोटर था दूर में एक लॉज में, वहाँ जाते थे पानी भरने के लिए रात में, कि ताज़ा पानी भर के पिएंगे गर्मी दिन में। तो गर्मी का दिन होता था, सब रूम में फ़ैन ऑन रहता था और खिड़की गेट भी अक्सर लोग खोल के सोते थे गर्मी दिन में। हर रूम से मोबाइल का लाइट जलता था, ब्लू लाइट सबसे दिखता था खिड़की से, और सब लोग 2 बजे तक 2:30 बजे तक कोई सीरियल देख रहा है, कोई कॉमेडी नाइट देख रहा है, और सब लोग यही रोना रोते थे कि रिजल्ट नहीं होता। बाद में फेसबुक पर लिखते थे मैं बेरोज़गार, और हमको आश्चर्य लगता था कि ये लोग अगर कंसर्स होंगे तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना वो अपना रास्ता भटक गए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, हम यहाँ आ गए हैं वो लोग अभी भी लॉज में ही हैं, अभी भी फॉर्म भर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो अपनी मंजिल से भटक गए हैं, उनको जाना कहीं और था, दिमाग को कहीं और लगाना था, वो किसी और चीज़ में अपनी ऊर्जा झूठ मूठ का व्यय कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिए। आते हैं थोड़ा BPSC पर एग्ज़ाम पर, आप लोगों को विशेष लाभ हो सकेगा हमसे, क्योंकि हिंदी साहित्य से हम नेट JRF हैं और BPSC भी हिंदी से ही किए हैं, हिंदी में किताब भी हम लिख रहे हैं BPSC मेंस के लिए, तो हिंदी हम आप लोगों को बेहतर ढंग से, हमको उम्मीद है कि हम पढ़ा सकेंगे, बता देंगे। इसके पहले था BPSC में लूसेंट वगैरह पढ़ के, मतलब जो ट्रेडिशनल GS था उसको पढ़ के लोग पास करते थे, अब ऐसा नहीं रहा, अब अप्लाइड टाइप का प्रश्न मेंस में भी पूछता है और PT में भी, ठीक है, जिसको जो विचार करके आप उत्तर दे सकते हैं। तो अब आपको व्याख्या भी ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है PT के लिए भी। मुख्य परीक्षा में भी इसी तरह से अब बदल गया है, तो इसमें हम लोगों को कुछ कुछ रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले हम लोगों को GS में आते हैं, GS में ये देखना होगा कि वो कौन सा चैप्टर है, सेक्शन है GS का, जिसमें हम लोग एक मतलब कुछ अनुमान लगा सकते हैं प्रश्नों का, ताकि जब हमारे सामने प्रश्न पत्र आए तो हम तुरंत उत्तर लिखना शुरू कर दें, आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बन जाए। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री देगा, आप लोग भी जानते हैं, और सेकंड पेपर में पॉलिटी देगा, यानी आप कुछ प्रश्नों का अनुमान लगा सकते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है हम तैयार करेंगे तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी GS की तैयारी स्टार्ट की जाएगी तो सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ही ख़त्म करवाएंगे। इसके अलावा स्टेट आता है बहुत महत्वपूर्ण, जब हम पास किए थे उसमें 50 नंबर का होता था, अभी 72 मार्क्स का होता है, तो बहुत मायने रखता है 72 नंबर, तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, लेकिन हम देख रहे हैं आज के समय में बहुत सारे लोगों का यही वीक पॉइंट भी बन जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो जिनका कि स्टेट अच्छा नहीं होता है, हमारे साथ हमारे एक मित्र थे, उन्होंने सोच के रखा था कि स्टेट हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे, और उन्होंने बाकी सेक्शन पर फोकस किया, आज वो डिप्टी कलेक्टर हैं, ठीक है, हाँ स्टेट उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन उसमें था कि 2 ऑप्शनल होते थे और दोनों ऑप्शनल में उनको बहुत अच्छा नंबर था। GS में थोड़ा, चूँकि स्टेट पूरा छोड़ दिया उन्होंने, 50 नंबर का था, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन अभी के समय में पूरा छोड़ने का मतलब लगभग बाहर हो जाना होगा। लेकिन अभी भी हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने स्टेट छोड़ा है, उनका रिजल्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल के कारण हुआ है, ऑप्शनल में बहुत अच्छा मार्क्स आया, और GS भी बाकी सेक्शन उनका बहुत बढ़िया था, हाँ बहुत अच्छा है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तरीका है इसका, तरीका है एक तो प्रैक्टिस करवाएंगे, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, और दूसरा ये कि जो 3 घंटे का समय है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम लोग समय बांट लेंगे कि हम स्टेट को कितना टाइम देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेट बनाना शुरू करते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। जी सर, यही मैं किया था। स्टेट पहले नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहले आपको हिस्ट्री लिखना चाहिए, क्योंकि 3 जब हिस्ट्री आप लिख लेंगे तो एक सेक्शन कम्प्लीट होते ही आपको आत्मविश्वास आएगा कि मेरा एक सेक्शन अब कम्प्लीट है, ठीक है। और करंट की तैयारी कोई भी नोट से नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें हम टॉपिक बताएंगे, और एक शैली होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी एक अलग शैली है। अगर हम साइंस टेक का कुछ लिख रहे हैं उसकी एक अलग शैली है, इस चीज़ का भी है, उसके बारे में हम आते हैं बाद में कि भाषा पर कैसे उत्तर लिखा जाना चाहिए। तो पहले ये बता रहे हैं कैसे लिखना चाहिए सेक्शन वाइज, सबसे पहले हिस्ट्री लिखना चाहिए।
आप उसको तीन जब उत्तर लिख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुछ। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रैक्टिस हम करवाएंगे उस तरह से कि आप उतने ही समय में तीनों लिख लेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि हमने टाइम भी उतना ही लिया और मेरा तीन प्रश्न लिखा भी गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे आप टेस्ट देंगे कि तीन करेंट लिखने में हमको कितना टाइम लगता है, और वो भी हम यहाँ जैसे वहाँ आएगा वैसे यहाँ भी आपको हम बिल्कुल नए प्रश्न देंगे। उससे पता चल जाएगा कि आप सोच सोच कर कितना देर में तीन प्रश्न करेंट का लिख लेते हैं। और बाकी बचता है जो स्टेट, उसके लिए एक फिक्स टाइम रखना है आपको। मान लीजिए कि इन्होंने 45 मिनट रखा है, तो 45 मिनट आराम से रिलैक्स होकर बनाइए, हड़बड़ नहीं करेंगे कि हमको 72 का 72 बना देना है। जितना भी बनाएंगे हम सही बनाएंगे, और 45 मिनट में जितना बना हम बनाएंगे उसके बाद हम करेंट लिखेंगे, ठीक है। हम उसमें समय बिल्कुल नहीं देंगे आगे, ऐसे सर ही बोलते हैं। ये नहीं करना है कि हम सोचेंगे कि देख लेते हैं एक और अगर बन जाए, हाँ, नहीं ट्राई नहीं करें। उसके लिए आप एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा जगह छोड़ दीजिए, हाँ, और तीनों करेंट आप स्पीड में लिखिए, अगर बचता है टाइम। मैंने किया है ये चीज़, अच्छा। मैंने खुद किया है, 6-6 नंबर का 2 प्रश्न हमको लगा कि अब टाइम लग गया, हम स्टेट पूरा बना दिए और बहुत स्पीड में करेंट लिखे, और हम मेरा 8 मिनट बच गया, 8 मिनट में हम फिर से मैथ बना दिए, मेरा कम्प्लीट हो गया। और अगर नहीं भी बनता, तीन प्रश्न आप छोड़ते हैं तो बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक प्रश्न बहुत अच्छा लिखने से बेटर है कि आप तीनों प्रश्न लिखें, सबको टच करें, क्योंकि 38 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। उसमें आपको फर्स्ट डिवीजन में 60% या 65% मार्क्स आता। चलिए आपने बहुत अच्छा लिखा तो 38 में सपोज आपको 30 आ गया एक में, लेकिन इस चक्कर में एक प्रश्न आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि 22-22 दोनों में आता, 44 हो जाता है ना, फिर भी 14 नंबर का आप लीड ले लेते हैं, है ना। अगर 20-20 भी देगा फिर भी आप आगे हैं, अगर वहाँ 30 दिया है फिर भी आप 10 नंबर आगे हैं। तो प्रश्न सब टच जरूर करना चाहिए, सबको लिखना चाहिए, ठीक है, हो गया। इसी तरह से फिर आप सेकेंड पेपर में जाते हैं, वहाँ पॉलिटी की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं आप। उसमें लगभग क्वेश्चन भी होता है कि ये सब अनुमानित की आ सकता है और आ भी जाता है। अब बचता है कौन कौन सा आपका, साइंस टेक और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो तैयारी जो होती है मेंस की, हिस्ट्री तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, पॉलिटी भी अलग और स्टेट भी अलग। और ये जो तीन सेक्शन है जिसमें आता है साइंस टेक, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स, वास्तव में इन तीनों की तैयारी एक साथ ही की जानी चाहिए, ठीक है। अलग अलग सेक्शन मानकर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी भी पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर पंचायती राज संस्थाएं हम उदाहरण लेते हैं, अगर करेंट में यह प्रश्न आता है तो हमको आया था करेंट में प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से, उसमें क्या आया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अभाव में जो पंचायती राज संस्थाओं का जो मूल उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पाता है, इसकी व्याख्या करिए, ठीक है। ये हो गया। अब अगर ये प्रश्न आता है तो करेंट में पूछता है, फिर दूसरा प्रश्न इसी को हम ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में ले जाते हैं, ठीक है, पंचायती राज से। उसमें आपको प्रश्न आएगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं ने, ठीक है, राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी या योजनाओं के भी विकेंद्रीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, इसको स्पष्ट करें। यह ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में आ जाता है। फिर आता है पंचायती राज संस्थाओं ने जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, ठीक है, इन सबों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक। इसमें साइंस और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल पंचायती राज संस्थाएं कर सकती हैं स्पष्ट करें, यह पूछा भी है 65वीं में था अभी। जनसंख्या ये किसका टॉपिक है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का है, लेकिन जनसंख्या मतलब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि जनसंख्या हमने उठाया, जनसंख्या में जो है अभी भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, उससे हमारा विकास कार्य कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, इसके लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल की कितनी ज़रूरत है, ये सब प्रश्न आ जाता है करेंट अफेयर्स में। फिर जनसंख्या लाभांश क्या है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार इसका हम फायदा ले सकते हैं, आप लोगों ने पूछा था सर 56वीं में, तो इसका ये प्रश्न आ जाता है किसमें, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में। और फिर जनसंख्या नियंत्रण में साइंस, यानी जब भी हम उसमें उपाय खोजेंगे तो हम हर चीज़ में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक हम उठाएंगे जीएस का,
कोई भी टॉपिक, जैसे हमने जनसंख्या उठाया, निर्धनता उठाया, ठीक है, रोजगार उठाया, विकास उठाया, योजना, तो सब में हम यही देखेंगे। सबसे पहले उसको हम करेंट अफेयर्स के रूप में पढ़ेंगे कि उसके लिए और क्या क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है। अगर वो समस्या या वो टॉपिक राष्ट्रीय स्तर का है तो देश और राज्य में क्या हो रहा है बिहार विशेष के संदर्भ में, ये निश्चित रूप से सब में देखना है बिहार विशेष के संदर्भ में। उसके बाद देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर वो मैटर है, जैसे पोल्यूशन है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, इसमें क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र, क्या कर रहा है, इससे संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है, कोई वैश्विक समझौते हुए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, भारत सरकार उसको कितना क्रियान्वित किया है और बिहार राज्य उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, ठीक है, ये सारा चीज़ उसमें देख लेंगे। किस प्रकार की जानकारी प्रश्न में मांगी गई है, हमारे पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जनसंख्या ही उठाएंगे चैप्टर, तो जनसंख्या के बारे में ओवर जो भी है चीज़ हमारे पास होना चाहिए। उसमें क्या क्या होगा कि जनसंख्या किसको कहते हैं, जनसंख्या जो है, हाँ, समस्या उससे क्या है, उसका लाभ भी कुछ हो सकता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष लिखेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसमें कुछ पूछा गया है तो उसमें हम लोग बताएंगे, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है तो उसको बताएंगे। फिर इसका समाधान क्या क्या है, जो हमने समस्याएँ बताई उसका समाधान, और समाधान में दो तरह का होता है, एक होता है सरकारी प्रयास, दूसरा होता है व्यक्तिगत सुझाव, क्या क्या सुझाव देंगे, हाँ, और उसी में आ जाता है फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उसमें उपयोग है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये तीनों सेक्शन एक साथ पूरा हो जाएगा। और साइंस टेक अगर ऐसे पढ़ेंगे तो साइंस टेक बहुत ईजी हो जाता है। आप देखेंगे साइंस टेक में चार प्रश्न रहता है और दो उसमें लिखने होते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, 39वीं बीपीएससी से लेकर के अभी 65वीं का हुआ है मेंस, अभी तक का देख लीजिए, मेरा क्वेश्चन बैंक देखा हुआ है, कोई भी साल का प्रश्न उठा लीजिए आप, किसी भी इसमें बीपीएससी का, आप देखेंगे कि जो ये पारंपरिक चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी कंप्यूटर पूछ दिया या क्लाउड कंप्यूटिंग पूछा या इसरो के बारे में कुछ पूछ दिया, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उस तरह से पढ़ते हैं तो मेरा ये देखा हुआ है कि जो दो उसमें होते हैं प्रश्न वो पारंपरिक टाइप के ही होते हैं, जो जनसंख्या, प्रदूषण, निर्धनता, बेरोजगारी, वो उससे आगे नहीं बढ़ता है, वो दो प्रश्न जरूर रहेगा एकदम ट्रेडिशनल। हाँ, तो अगर आप उधर से, आपकी तैयारी बेहतर होती है इन चीज़ों का, तो आप आराम से लिख सकते हैं, आपके पास मैटर बहुत होगा, बस आपको साइंस टेक का प्रयोग घुसाना होगा उसमें, ठीक है। वही पूछता भी है वो कि ये आज देश के सामने प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, या जल प्रदूषण, कभी कभी पूरा प्रदूषण, कभी सिर्फ जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, और उसमें फिर आपको पूछेगा सरकारी प्रयास और वैज्ञानिक, ये सरकार के द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयास, और आप चार या पांच सुझाव दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको जीएस ईजी हो जाता है। अब जहाँ तक ऑप्शनल की बात है, तो ऑप्शनल में जैसे आपका हिंदी है, आप तीनों का हिंदी को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हिंदी को कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बना के रखा है, जबकि वो है नहीं। फर्स्ट पेपर हिंदी तो पूरी तरह से मैथ है, जिसमें बहुत ही उम्दा नंबर उठाया जा सकता है, बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन हमें करना यही है कि हम उन्हीं तरह के प्रश्नों को चुनें लिखने के लिए। उदाहरण के तौर पर जब आप लिखते हैं अपभ्रंश की विशेषताएँ, तो बहुत अच्छा नंबर आता है, मैथ की तरह नंबर आता है, अगर आप उदाहरण सहित लिखते हैं पॉइंट वाइज। और अगर उसी में आप लिखते हैं छायावाद के बारे में कुछ फर्स्ट पेपर में, तो फिर तब आपका टैलेंट अगर बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत अच्छा हिंदी आपकी नहीं है, बढ़िया नहीं लिखते हैं, छायावाद की बहुत गहन जानकारी नहीं है, ये उदाहरण आपको याद नहीं है, तो फिर आपका नंबर वहाँ पर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रश्नों का चुनाव फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, हिंदी में हमारे साथ थे एक विद्यार्थी, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने हिंदी रखा था, हम दूसरी फील्ड में थे, हम तो म्यूज़िक में हम थे उधर, हम पढ़ाई वगैरह से उतना हमको नहीं था, हम सिर्फ हिंदी पढ़ते थे, अपना सब्जेक्ट जो था वो हम कहीं भी पढ़ते रहते थे। हाँ, हम ऑनर्स में पटना यूनिवर्सिटी के थे, ये फिर पीजी भी किए हैं, फिर नेट जेआरएफ सब मेरा है, तो और हम किसी से पढ़े नहीं हैं, खुद से ही पढ़ाई की है हिंदी पे। हाँ, सेल्फ स्टडी है मेरा हिंदी। तो हिंदी में उनका कहना था कि उस समय पूछता था 80 नंबर का व्याख्या, अभी तो व्याख्या अनिवार्य नहीं है, नहीं। तो इजी हो गया। हाँ, उस समय व्याख्या अनिवार्य होता था, तो व्याख्या जब अनिवार्य था 80 नंबर का, तो 400 का एग्ज़ाम होता था, तो वो बोलते थे कि हम 320 का ही एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बाकी व्याख्या तो हमको करना नहीं है, नहीं होगा व्याख्या हमसे।
और बाकी भी तो वो मान के चलते थे 400 में कि 220 225 आ जाएगा। उनका दूसरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था जो कि उनका काफ़ी अच्छा था, उसमें वो पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोच के रखा था कि अपना ऑप्शनल मेरा अच्छा है, जीएस बढ़िया था, तो उधर से मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हिंदी में 220-225 आ गया तो काफ़ी है, ठीक है। और उनके साथ मैंने 5 महीने हिंदी पढ़ा, वो दिल्ली से उन्होंने पढ़ा था, दृष्टि में पढ़ कर आए थे, लेकिन दृष्टि जो है कोचिंग बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विकास विकृति, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो यूपीएससी का सिलेबस को फॉलो करते हैं, फोकस रहता है उनका, तो उनका कोई वीडियो या कोई क्लास ऐसा नहीं है जिसमें बीपीएससी के लिए अलग से, और ऐसा कोई टीचर नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब है ये कि एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो बीपीएससी के लिए फोकस करे, बीपीएससी का आपको पढ़ाए सिर्फ, और सिलेबस में बहुत अंतर हो जाता है। तो उनके साथ जो है मेरा नोट्स बना हुआ था पूरा, पूरे हिंदी का, तो उनके साथ मैंने शेयर किया, उनसे जीएस में हम मदद लिए और उनको हिंदी में हमने मदद किया, और जो व्याख्या था व्याख्या पोर्शन उनको हमने तैयार करवाया कि आप व्याख्या कीजिए, ठीक है, उसकी भी रणनीति बनाई कि व्याख्या छूटे नहीं, और उन्होंने चारों व्याख्या लिखा, और उनका लक्ष्य था 220 225 सुरेश बाबू, उनको 293 नंबर आया जब तू छोड़ दिया, उनका रैंक 27 छोड़ दिया, 320 में उनका रैंक 27 है, और वो अभी सुपौल में असिस्टेंट एसडीएम है सदर के। तो और दूसरी बात ये है बीपीएससी में आप क्या लिखते हैं उसी पर मार्क्स मिलता है ना। मान लिया जाए कि उस दिन भी हमने आपको कहा था हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, मान लिया जाए, लेकिन वहाँ पर 6 प्रश्न जो आप लिखेंगे हिस्ट्री में, अगर वो आपने बेहतर नहीं लिखा तो जो कॉपी जांच कर रहे हैं उनको वो समझ लेंगे कि आपको हिस्ट्री नहीं आता। और अगर 6 प्रश्न आपका गैस से ही लड़ गया है, जो आपने नोट्स बनाए थे बहुत अच्छा है, आपने वही लिख दिया, तो माना जाएगा कि आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब आपके बारे में उनकी राय बनेगी जो कॉपी जो हाँ जो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको लगता है यूपीएससी में ये चीज़ नहीं चलता, रणनीति बहुत ज़रूरी है। जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसी में हम लोग उसका कला पक्ष पढ़ेंगे, भाव पक्ष पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब जानते होंगे आप लोग, कला पक्ष भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष भाव पक्ष। जब भी हम कुछ निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई कविता लिखते हैं, साहित्य में कविता लिखना है हमें, ठीक है, ये इनको मन हो जाए कि आज हम शायरी लिखेंगे कुछ, ठीक, अभी इन्होंने रचना करने का मन बनाया, तो इनके सामने दो प्रमुख समस्याएँ आएंगी। पहला आएगी कि हम क्या लिखें, किस बारे में लिखें, हो सकता है इनको हो कि हम प्रेम पर लिखें, बेरोजगारी पर लिखें, गरीबी पर लिखें, देश की किसी अन्य समस्या पर लिखें, या मित्रता पर लिखें, है ना, लड़की की बेवफाई पर लिखें, किसी चीज़ पर ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे वह है हमारा क्या, भाव पक्ष, ठीक है, जिसको कथ्य कहते हैं, यानी जो हम कहेंगे, ठीक है। अब एक बार हाँ एक बार इन्होंने वो चीज़ चूज़ कर लिया कि हमको लिखना है इस चीज़ पर, मित्रता पर लिखना है। अब इनके सामने दूसरी समस्या आएगी, इन्होंने ये तय कर लिया कि क्या लिखें, अब इनके सामने आएगी समस्या कैसे लिखें, कैसे लिखें में उसको कहते हैं कला पक्ष। कला पक्ष मतलब कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन सा अलंकार लगाएंगे, कौन से प्रतीक लगाएंगे उसमें, है ना, उसमें उर्दू शब्द डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कौन से छंद में लिखेंगे, दोहा में लिखेंगे या फिर छप्पे लिखेंगे कि सवैया लिखेंगे, कवित लिखेंगे, चौपाई में लिखेंगे, तो ये सारा चीज़ किस में आएगा, कला पक्ष। तो हर रचना का दो पक्ष हिंदी में होगा, एक होगा भाव पक्ष जिसको कथ्य कहेंगे, दूसरा आएगा कला पक्ष जिसको शिल्प कहेंगे। तो हम लोग हर रचना का, चाहे गोदान पढ़ेंगे चाहे कोई कविता पढ़ेंगे, उसका मूल्यांकन हम लोग इन्हीं दो कसौटी पर करेंगे, उसका भाव पक्ष और कला पक्ष। हिस्ट्री का टारगेट होगा, अगर आप एक प्रश्न रोज करते हैं और अल्टरनेट करते हैं तो मुश्किल से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 12-13 प्रश्न ही करेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ हिस्ट्री में 12-15 प्रश्न लगभग करेंगे, और उसी को हर आयाम से पढ़ लेंगे, बना लेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, ज़रूर उसका बनाएंगे नोट्स, ताकि और उसको बार बार लिखेंगे, ताकि हिस्ट्री जब हम लिखने के लिए बैठे हैं एग्ज़ाम में तो हमें लगे नहीं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न तुरंत लिखें और एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाएँ, ताकि स्टेट में हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाएं, और जब आप पहले स्टेट बनाएंगे और स्टेट नहीं बना तो आप बहुत बिल्कुल हाँ आप टेंशन में आ जाएंगे, फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है दूसरा सेक्शन प्रभावित होगा, सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ है, जब पढ़ाई करते हैं अभी तो
अपने पढ़ाई को तीन चीज में बांट दीजिए, तीन अवधि में। 5 घंटे अगर पढ़ते हैं तो आप उसमें 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे लिखिए और 1 घंटे सोचिए। ये थे, मन बहुत बड़ा फैक्टर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एकदम अलग चीज़ है। मान लिया जाए को आप चले जाते हैं, कोई DSP बन जाते हैं, अब यहाँ पर आप GS पढ़ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, पंचायती राज संस्थाएं कैसे मजबूत होंगी, ये पढ़ रहे हैं, साइंस टेक का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसरो ने इस साल कौन कौन सा काम किया है, आप ये पढ़ रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था ये याद कर रहे हैं, और वहाँ जाएंगे तो एक अलग ढंग की समस्या आ जाएगी कि वहाँ पर दंगा हुआ है, 2 लोग मर गए हैं, अभी तुरंत पहुँचिए, कंट्रोल करना है। वहाँ पर ये सब चीज़ कहाँ से काम आएगा, है ना? वहाँ पर ये सब चीज़ तो नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब आप उसको उस काम में रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो फिर आप कर लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि वहाँ जाकर क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट होगा। कोई लोग मेरिट से छूट गए 2-3 नंबर से, या जो नए छोड़ जिनका 66वीं भी नहीं हुआ। जी सर। अच्छा, जो 67वीं का PT देंगे अभी। तो मेरे विचार से जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक उनको ऑप्शनल या अपना GS दोनों में से किसी एक सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ PT के साथ साथ सिर्फ PT की तैयारी। अगर किसी ने 64वीं का मेंस दिया था, इसका मतलब है कि PT उन्होंने एक बार पास उन्होंने किया था, ठीक है, और अच्छा है लेवल उनका। किसी कारण से 66वीं नहीं हो पाया अलग बात, लेकिन इसका मतलब है कि लेवल उनका है अच्छा। तो उनको चाहिए कि जो सेक्शन कमज़ोर रह गया उनका 66वीं जिस वजह से नहीं हो पाया, उस सेक्शन पर थोड़ा फोकस करें अभी से, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक उन सेक्शन को मजबूत करें, उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं, थोड़ा उसको सब्जेक्टिव रूप में पढ़ने की कोशिश करें। जैसे होता है कि 3-4 महीने के अंदर हो जाता है रिजल्ट, आता है 1-2 महीने के अंदर का डेट देता है मेंस का, तो आपके पास समय नहीं बचता मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसलिए मेंस की तैयारी, PT की तैयारी साथ होनी चाहिए। तो कम से कम ये तो किया ही जा सकता है। तो मेरा मानना है इसमें कि 2 चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए, एक ऑप्शनल होना चाहिए और दूसरा स्टैट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडनेस को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।